लास्ट टाइम हमने ग्रुपिंग ऑफ सेल्स किया था, हमने कहा था कि जी अगर आपके पास एन नंबर ऑफ सेल्स या दो या तीन सेल्स सीरीज में है तो आप उनकी ईएमएफ को ना ऐड कर दें, टोटल ईएमएफ आ जाएगी, और अगर पैरेलल में है तो आप ई वन बाई आर वन, ई टू बाई आर टू, ई थ्री बाई आर थ्री डिवाइडेड बाई वन बाई आर वन, वन बाई आर टू, वन बाई आर थ्री, तो इक्वलेंट ईएमएफ की वैल्यू आएगी, ऐसा करें। ये टॉपिक सुनने में तो वैसा ही है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स सीरीज पैरेलल, लेकिन वो टॉपिक नहीं है। ये इस चीज का आंसर देगा सेल्स में कि अगर आपके पास मैं बहुत सारे सेल्स दे दूं, चार सेल, पांच सेल, छह सेल, और मैं आपसे ये कहूं कि वो सेल्स को इकट्ठे किसी भी मशीन में या किसी टॉय में लगाना है या रिमोट में लगाना है, तो आपने देखा होगा कि रिमोट में दो सेल्स डलते हैं, पेंसिल सेल्स पैरेलल में डलते हैं, और कुछ खिलौने ऐसे हैं, या पुरानी टॉर्च देखोगे तो पुरानी टॉर्च में क्या है, एक के पीछे एक के पीछे एक सेल डलता था, या कुछ खिलौने ऐसे हैं जिसमें ना 8-10 सेल डलते हैं, कुछ सीरीज में और कुछ पैरेलल में। भाई कैसे, ये कैसे डिसाइड हो जाता है कि सेल्स मिक्स ग्रुपिंग में डलेगा, सीरीज पैरेलल में, या सिर्फ सीरीज में, या सिर्फ पैरेलल में, या मर्जी है जैसा मन चाहो वैसे कर लो। नहीं, मर्जी तो नहीं होगी, कुछ तो लॉजिक होगा, वो लॉजिक ये टॉपिक बताता है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास अगर कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स हैं और मैं कैसे फैसला करूंगा कि वो सेल्स सीरीज में कनेक्टेड है, तो एक कंडीशन है, एक्सपेरिमेंटली टेस्टेड कंडीशन है, और कंडीशन ये है व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सारा कुछ रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल्स टूगेदर, कि मान लो आपके पास ये नंबर ऑफ सेल्स हैं, ये नंबर ऑफ सेल्स हैं और ये कैपिटल आर रेजिस्टेंस है, वो ये कहता है कि अगर आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर की वैल्यू बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू सारे सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस, तो फिर तो यानी कि जो बाहर की वायर की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ी है, तो आप उसको सीरीज में लगाना, आपके पास मैक्सिमम करंट बाहर आएगा सेल्स में से। तो क्योंकि सेल में से क्या बाहर चाहिए, मुझे करंट चाहिए, ठीक है, मुझे करंट चाहिए, तो सेल में से अगर मुझे मैक्सिमम करंट चाहिए तो आप सेल को सीरीज में लगाना अगर एक्सटर्नल वायर की रेजिस्टेंस बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन अगर उल्टा है, सभी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, फिर सेल्स को पैरेलल में लगाना पड़ेगा ताकि मैक्सिमम करंट बाहर आए। अब मैक्सिमम करंट का मतलब क्या है, मान लो एक सेल एक एम्पियर करंट बाहर निकालता है और मैं 10 सेल ले आया, और सोचो कोई मुझे कह रहा है 10 सेल भी एक एम्पियर करंट बाहर निकाल रहे हैं, ये के पास मैं कहूंगा यार इसमें एक सेल लगाऊंगा 10 सेल क्यों लगाऊंगा। तो मैं ये चाहता हूं कि एक सेल अगर एक एम्पियर करंट बाहर निकाल रहा है तो 10 सेल कम से कम 10 एम्पियर तो निकालें, इसे बोलते हैं मैक्सिमम करंट बाहर निकालना। तो मैक्सिमम करंट बाहर तब निकलेगा अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल से बड़ी है तो सीरीज में लगा दें, करंट मैक्सिमम बाहर आएगा, अगर इंटरनल बड़ी है एक्सटर्नल से तो आप पैरेलल में लगा दें तो करंट मैक्सिमम बाहर आएगा, और अगर एक्सटर्नल इंटरनल अप्रॉक्सीमेटली कंपेरेबल है, बराबर है, तो फिर कुछ सीरीज में लगा दें और कुछ पैरेलल में लगा दें, मैक्सिमम करंट बाहर आएगा। ऐसे डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिसाइड करती है कि सीरीज लगेगा या पैरेलल लगेगा या जो भी लगेगा। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? अब इसको वेरीफाई करते हैं जो मैंने स्टेटमेंट दी। तो पॉइंट नंबर वन, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस, तो सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो मान लेते हैं ये मेरे पास कनेक्शन है, इसके अंदर कैपिटल आर रेजिस्टेंस एक्सटर्नल इंटरनल के आर 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 एन आर, एन नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो अगर मैं इन सभी सेल्स की जगह एक बैटरी लगाऊं तो उसकी टोटल ईएमएफ क्या आएगी, एनी, उसकी टोटल ईएमएफ एनी आएगी, और टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगी, एन आर, एन इंटू स्मॉल आर, तो फिर टोटल करंट बाहर क्या आएगा, टोटल ईएमएफ एनी डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एक्सटर्नल कितनी है कैपिटल आर, इंटरनल कितनी है एन आर, तो ये करंट आएगा। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो करंट की वैल्यू क्लियर है यहां तक आई? ठीक, तो मेरे पास ये करंट की वैल्यू आ गई, राइट, आगे। अब मुझे ये करंट मैक्सिमम चाहिए, और मैंने आपको कंडीशन बता दी थी कि मान ले मेरे क्वेश्चन में कैपिटल आर बहुत बड़ा है एनआर से, कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ी है, इंटरनल रेजिस्टेंस से सभी सेल्स के इंटरनल कितनी है एनआर, और मान ले कैपिटल आर बहुत बड़ी है इंटरनल से, तो एक काम करते हैं इसकी बात मान लेते हैं और डिनोमिनेटर में कैपिटल आर के सामने एन आर को निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि कैपिटल आर बहुत बड़ा है,
एन आर निगलेक्टेड है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, करंट एन ई बाई कैपिटल आर। तो अप्रोक्सीमेट करंट आ गया आपके पास कि अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो मैंने ये कंडीशन को अप्लाई कर दिया तो मेरे पास ये करंट आ गया। मान लें आपके पास एक सेल है, सिर्फ सिंगल सेल। सिंगल सेल का मतलब एन की वैल्यू क्या है, वन, एक ही सेल है। तो सिंगल सेल का करंट क्या आएगा, सिर्फ ई बाई आर, वन इंटू ई बाई आर। इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय आई एस, आई एस का मतलब करंट ड्यू टू सिंगल सेल। तो वापस से ई बाई आर की जगह पुट करें आई एस, तो आंसर क्या आ गया, टोटल करंट इज एन टाइम्स आई एस। मतलब कि अगर करंट एक सेल का वन एम्पियर है और मेरे पास 10 सेल्स हैं तो मेरा करंट बाहर क्या निकल रहा है, 10 इंटू एक 10 एम्पियर। और मैं भी यही चाहता था और ऐसा तभी पॉसिबल था अगर कैपिटल आर ग्रेटर देन एन आर हो। तो ये वेरिफिकेशन है मेरी बात की कि जो स्टेटमेंट उसमें गिवन है, व्हेन कैपिटल आर इज ग्रेटर देन एन आर, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बढ़िया इंटरनल से, तो सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो आपके सामने करंट मैक्सिमम आएगा। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? अब ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन पैरेलल, पैरेलल में कैसे करते हैं? पैरेलल में कंडीशन है अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बढ़िया एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल, सेल्स की रेजिस्टेंस बहुत बढ़िया एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल, तो सेल्स किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। ये देखो, मान लो आपके पास एम नंबर ऑफ सेल्स हैं, एम, तो हर की ईएमएफ ई और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर। तो सोचें अगर मैं ये आइडेंटिकल बैटरीज है, हमने लास्ट टाइम शॉर्टकट किया था, अगर हर की ये आइडेंटिकल बैटरीज हैं और एम सेल्स हैं तो इक्विवेलेंट बैटरी की ईएमएफ क्या बनेगी, सिर्फ ई, ये डिसाइड किया था ई, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर, और स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी, आर बाय एम। इन सभी बैटरीज की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी, आर बाय एम। तो करंट की वैल्यू क्या आएगी, करंट आएगा E डिवाइडेड बाई सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ये देखो, यही किया हुआ है इसमें, तो यहां से पहले सभी सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल ली, सभी सेल्स की टोटल ईएमएफ की जगह एक ईएमएफ लगाएंगे तो वैल्यू E आएगी, टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट की सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, और टोटल करंट क्या आएगा, टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस में सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। कोई डाउट इसमें? तो टोटल करंट की वैल्यू क्या आएगी, ईएमएफ अपॉन एक्सटर्नल एंड इंटरनल। क्या ये पॉइंट क्लियर है करंट का? एक काम करते हैं, जो कंडीशन है उसकी बात मान लेते हैं, और कंडीशन ये है कि इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बड़ी है एक्सटर्नल से, तो कैपिटल आर को डिनोमिनेटर में इसके कहीं पे निगलेक्ट कर देते हैं। तो जब निगलेक्ट किया तो ये टर्म आ गई, एम ऊपर जाके ये टर्म आ गई। अगर इस पूरे सर्किट में एक सेल होता तो एम को क्या पुट करते, वन, तो आंसर क्या आता, ई बाई आर करंट ड्यू टू सिंगल सेल। इस E बाई आर की जगह आई एस पुट करते हैं तो I की वैल्यू क्या आएगी, एम इन टू आई एस। तो प्रूव हो गया कि अगर एक सेल का करंट 1 एम्पियर है तो M सेल्स का M इन टू 1 एम्पियर है, इसका मतलब करंट क्या आएगा इसमें, मैक्सिमम। और ये तभी हो पाया जब वो कंडीशन ट्रू है। तो कुछ नहीं है, हमने वो स्टेटमेंट याद करनी है सिर्फ, प्रूफ आए ना आए मुझे मालूम नहीं है, पर ये ऑब्जेक्टिव के अंदर काम आएगा कि एक्सटर्नल बड़ी है तो सीरीज में, इंटरनल बड़ी है तो पैरेलल में, और जो मैं बात कह रहा हूँ उसकी जस्टिफिकेशन मैथमेटिकल दे रहा हूँ। आपको क्वेश्चन में मिक्स ग्रुपिंग आएगा, अगर न्यूमेरिकल आया तो मिक्स ग्रुपिंग पे 100% न्यूमेरिकल आएगा, जिसमें कुछ सेल सीरीज में, एन सेल सीरीज में, और ऐसी एम रोज हैं, एम सेल्स पैरेलल में, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक? तो ये एन सेल्स हैं और ये एम रोज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, एन इंटू एम। तो अगर मैं ये बोलूं कि मुझे एक सेल लगा के दो तो बोलो क्या करोगे, ई ई ई ई ई इसकी जगह एन ई, ई प्लस ई एन ई, इसकी जगह भी ई प्लस ई एन ई, इसकी जगह भी ई प्लस ई की जगह एन ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस आर प्लस आर की जगह एन आर एन आर एन आर। तो इन सभी सेल्स की जगह एक सेल एन ई, इन सभी सेल्स की जगह एक सेल एन ई, इन सभी सेल्स की जगह एक सेल एनी। अब ये आइडेंटिकल सेल्स बन जाएंगे पैरेलल में, एनी 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 एनी, तो अगर एक सेल लगाना हो तो उसकी इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या बनने वाली है, सिर्फ एनी, क्योंकि एनी 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 के अगर पैरेलल में लगाएंगे तो इक्विवेलेंट ईएमएफ एनी ही आएगा। कोई डाउट इसमें? तो इसमें आप चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर सभी बैटरी जो पहली रो है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की एनआर है, दूसरे की भी एनआर है, तीसरे की भी एनआर है,
ऐसे कितने एम नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो एम इंटू वन बाई एन आर है, आर डैश की वैल्यू ये आ जाएगी, तो ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगी सभी सेल्स के मिला के। पहली रो की एन आर है, आर प्लस आर प्लस आर एन टाइम्स एन आर है, दूसरे सेल्स की भी एन आर है, तीसरे सेल्स की भी एन आर है, और ऐसे एम नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो पैरेलल में लगा के आर डैश की वैल्यू आ गई। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर है, तो कुल मिला के पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस क्या बनेगी, सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो अब टोटल करंट कितना जाएगा, पहली रो की टोटल ईएमएफ एनी है, दूसरे की एनी एनी एनी, तो टोटल भी क्या रहेगी, एनी डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस में सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, तो ये मेरे पास करंट की वैल्यू आ गई। कोई डाउट इसमें, एम एलसीएम लेके ऊपर चला गया तो ये टर्म क्लियर है यहां तक, तो करंट आ गया। तो ये करंट है, पर मुझे नहीं पता ये करंट मैक्सिमम है कि नहीं, क्योंकि मैक्सिमम के लिए मुझे क्या पता कितने सेल्स सीरीज में लगेंगे और कितने पैरेलल में लगेंगे। अगर मैं ये चाहता हूं कि करंट मैक्सिमम हो, तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, मिनिमम, मिनिमम बंद। तो इसके अंदर करंट अगर मैक्सिमम करना है तो डिनोमिनेटर को क्या करना है, मिनिमम। तो मिनिमम करने के लिए डिनोमिनेटर को मॉडिफाई तरीके से लिखा, कैसे, एनआर को लिखा रूट एनआर का स्क्वायर, एमआर को लिखा रूट एमआर का स्क्वायर, माइनस टू ए बी प्लस टू ए बी। देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये टर्म तो आपस में कैंसिल करके जीरो हो जाएंगी, इसका मतलब एनआर है, इसका मतलब एमआर है, तो लेफ्ट और राइट बराबर है। कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी चेक करें, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये रहा। तो मैंने इस पूरे रिजल्ट को मॉडिफाई करके ये बना लिया। अब किसी ने कहा कि सर करंट मुझे ये वाली टर्म मुझे मिनिमम चाहिए। अब मिनिमम करने के दो तरीके हैं, कि या तो पूरी टर्म जीरो हो जाए, अकेली ये टर्म बच जाए, या पूरी टर्म ये जीरो हो जाए ये टर्म बच जाए। दोनों जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि पूरा डिनोमिनेटर जीरो अलाउड नहीं है। तो किसी को तो जीरो कर सकते हैं ताकि कम से कम कुछ तो आंसर मिनिमम हो। ये जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि इसको जीरो करने का मतलब सर्किट में एम को जीरो करना, वो अलाउड नहीं है, एन को जीरो करना वो अलाउड नहीं है, कैपिटल आर को जीरो करना, वायर का रेजिस्टेंस कैसे छोड़ दें, इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो करना वो भी कैसे छोड़ दें। तो फिर एक काम किया मैंने, इसको जीरो कर दिया, मतलब मैंने मान लिया कि अगर ये जीरो हो जाए, अगर, तो ये पूरी टर्म कम से कम इतनी तो रहेगी रहेगी, इससे छोटी नहीं हो सकती, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। और ये टर्म जीरो करने से ये इक्वेशन आ गई, ये राइट पे चला गया, स्क्वेयरिंग करके ये आंसर आ गया। मतलब कि अगर कैपिटल आर इसके इक्वल है तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, और ये टर्म जीरो होने से ये टर्म मिनिमम हो जाएगी, और यही मैं चाहता हूं कि ये टर्म मिनिमम हो जाए। तो मेरे को आंसर याद हो गया, क्या आंसर हो गया, कि कैपिटल आर किसके इक्वल है, एन आर बाय एम। और ध्यान से देखें, मेरा करंट क्या था, टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल, और मैंने जो कंडीशन प्रूव की वो क्या थी, कि अगर कैपिटल आर एन आर बाय एम के इक्वल है, यानी कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल के इक्वल है तो डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाएगा, तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो मेरी बात प्रूव होगी, मैं भी यही कह रहा था शुरू में, वो क्या, कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कंपेरेबल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम करंट सेल्स आर कनेक्टेड इन मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो मेरी स्टेटमेंट मैंने प्रूव कर दी बात, कि मिक्स ग्रुपिंग में पहले मैंने स्टेटमेंट ली और मैंने प्रूव कर दिया मिक्स ग्रुपिंग में करंट को मैक्सिमम करने के लिए एक्सटर्नल और टोटल इंटरनल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एग्जैक्टली सेम। क्लियर है यहां तक? तो ये फॉर्मूला तो फॉर्मूला रजिस्टर में नोट करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिखो। सीरीज पैरल का क्वेश्चन इसमें आता नहीं, सुन लो, मिक्स ग्रुपिंग में आता है। तो लिखो, इन केस ऑफ मिक्स्ड ग्रुपिंग, इन केस ऑफ सेल्स इन मिक्स्ड ग्रुपिंग, कैपिटल आर इज एन आर बाय एम, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू सारे सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस। इसे नोट करो फॉर्मूला।
क्या ये पॉइंट क्लियर है? पहला क्वेश्चन इस पे आएगा, मिक्स ग्रुपिंग वो बोलेगा मिक्स ग्रुपिंग में, मिक्स ग्रुपिंग में फॉर्मूला ही एक यूज होगा, कैपिटल आर एस एन आर बाई एम, पहला फॉर्मूला। फिर वो ये भी पूछ सकता है, चलो मिक्स ग्रुपिंग हो गई तो मैक्सिमम करंट क्या होगा ये बताओ। देखो करंट का फॉर्मूला तो ये था, मिक्स ग्रुपिंग में अगर ये इसके इक्वल हो जाए तो करंट मैक्सिमम है, तो डिनोमिनेटर में इसकी जगह कैपिटल आर पुट कर दें तो ये मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला है। या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, इसकी जगह एन आर बाई एम पुट कर लें तो ये भी मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला है, और एंड में एन इंटू एम टोटल नंबर ऑफ सेल्स पुट किए जा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी नोट करें, मैक्सिमम करंट का वो फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला साथ में नोट करें।